कौन बनाया है? ये मेरी माता श्री ने, माता श्री ने बनाया है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं यात्री पैदल प्रोबिंग सनोज। इस समय अभी मनाली में हूँ। मनाली में गुरुद्वारा है, उसी गुरुद्वारा में रुका हूँ। और अर्पण भाई और मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग करने। और ये सब लद्दाख के मिले हैं सब भाई साहब। और इन लोगों का बैग, पैसा, हर चीज़ गुम हो गया है, बहुत प्रॉब्लम में है, तो अरेंज करना पड़ रहा है थोड़ा सा हम लोग को। यू स्टे हियर, नॉट गो एनी प्लेस, फ्लोर साइड या अदर। ओके ओके, यू स्लीप। ये पानी ले, बॉटल है, बॉटल है, ये ले लेगा, ले जाना। हाँ, वेट ज़्यादा है वो, वेट कुछ नहीं करना है, चक्का बैग में भी ये रख लो, ये बहुत काम आएगा हम लोग को। ओ आर एस, ओके, इसी इसी में डाल दो बॉटल, वो नहीं वो फटा हुआ है ना, वो फाड़ के थोड़ा सा वो किए हैं सब बच्चे पिए। सारा डाल, हाँ सब डाल दो, एक लीटर। हम अर्पण भाई जा रहे हैं स्नोफॉल, सॉरी स्नोफॉल कर रहा हूँ, वाटरफॉल देखने। और देखिए ये ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी। और यहाँ माता जी बनाई है पराठा और एक छोटा सा रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, इसी में आके और हम लोग खा रहे हैं पराठा। पराठा खा के आगे की तरफ निकलूँगा क्योंकि मुझे भूख लगता है तो मेरा सिर घूमना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं पराठा खा के आगे चल रहे हैं, आप लोग से मिल रहे हैं। किधर से चलना है? अर्पण भाई गांव का घुमा रहे हैं। और कल इसी रास्ते से मैं गया था वशिष्ठ टेम्पल के पास और आइसक्रीम खरीदे हैं, खा रहे हैं हम लोग। मैं ये दूसरी बार है मेरी आइसक्रीम जीवन में, दूसरी बार ऐसा आइसक्रीम मैं खाया भी नहीं हूँ कहीं। और एक गली गली इसके बाद मैं जा रहे हैं वाटरफॉल देखने। तो दूसरी बार आपने है? काटेगा नहीं ना, काटेगा। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे और इसके बाद अभी आगे जाना है वाटरफॉल यहाँ पे। और ये देखिए कैसे पानी गिर रहा है, उधर से घूमते हुए आ रहा है। नहीं ये और पानी है, इधर वॉटरफॉल का पानी नहीं, कोई और। एक शांत क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तपस्या क्षेत्र है, चिखना चिल्लाना, मिट्टी खोदना पूर्णतः वर्जित है। मंदिर के साथ बहते हुए झरने का पवित्र नदी है। मंदिर भी है क्या यहाँ पे? मंदिर भी है ऊपर, हाँ यहाँ नीचे है। यह झरने का पानी है, ये तो है क्या बोलता है मिल के है बहन, मैथ हिमाचल मैथोलॉजी है, रियल है। ओहो हो, वो तो सिर्फ दिखाई देता है नहीं, वहाँ झरना दिखाई दे रहा है बहुत ही ऊपर से, ये तो 1 किलोमीटर से कम नहीं होगा, वह यहाँ से दिखाई दे रहा है बहुत छोटा। वो 1 किलोमीटर कितना अच्छा स्प्रिंग हो रहा है। कितने बार आए हो भाई? मैं ना 20-30 बार। और बहुत लोग आते हैं, देख सकते हैं नीचे पूरा होटल रेस्टोरेंट हर चीज़ बन गया, वो भी तिरपाल तान के। ओहो ओहो बचा के चल रहा है हम लोग ऊपर, ओ बचा के भाई। मैं यार मैं नहीं थकता, मुझे आदत हो गई है ना, एकदम ऊपर आ चुके हैं।
अर्पण भाई थकान हो रहा है आपको? नहीं नहीं, ये भाई रेसलर है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देवदार का सब पेड़ है ना, देवदार का थोड़ा ऐसा ऐसे ही है, थोड़ा अलग जैसा है देवदार का। नहीं देवदार का ही है, थोड़ा अलग वाला होता है जैसे ना, जहाँ मौसम जैसे होता है ना वैसे ही इसका कलर चेंज है, जैसे वो ज़्यादा हरा भरा दिखाई देगा और ये ना कम, ये ज़्यादा पुराना पेड़ है इसलिए। वो तो समथिंग 700 मीटर होगा वो मीटर। हाँ हाँ, लद्दाख में हम पदुम साइड से, पदुम साइड तो मैं तो उधर से आ गया, पदुम उदुम सब पदुम आ गया। हाँ कहाँ कहाँ घूमा? उधर पेंगोंग लेक माता, मैं उधर ही से आ रहा है तो साइड में ना। हाँ और रुक के थोड़ा देर अनोख मजा, जो जूस आता है मैंगो वो जूस भी है। और देखिए कितना नीचे से आ रहे हैं हम, अभी जाना है ऊपर, ऊपर लामा लोग पहुंच गए हैं, हम लोग को जाना है अभी। देखिए कूड़ा कर कट आगे ना फेंके, कोई भी कचरा लेके आए नीचे फेंक दे, ऊपर ना फेंके, अच्छा भी चीज़ नहीं होता गंदगी। हिमाचल में आए, हिमाचल में फैलाए हैं, गंदगी नहीं अच्छा लगता। रास्ता हम लोग का बहुत कठिन होता जा रहा है और आगे चलते जा रहा है। अभी हम लोग को जाना है वो स्नोफॉल दिखाई दे रहा है वहाँ तक, और हालत हम लोग की ख़राब होती जा रही, और यहाँ पे पैर फिसला के चले गए, दोबारा वापस लौट के आना नहीं है, इतना ख़राब हो गया यहाँ से डायरेक्ट नीचे। तो हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ और देखिए रास्ता कितना खराब, ख़राब तो नहीं बोल सकते हैं, जाने के लिए बना हुआ है जैसे भी। कई जगह पहाड़ों में तो ऐसे ही रास्ता नहीं मिलता जिनका घर होता है अस्पताल पहुंचने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ओ भाई पहाड़ों से पता क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? शिला जीत है ब्लैक ले नहीं ले, ले, ले। एक तो मनु टेंपल है ना वहाँ, मनु टेंपल नहीं है मनाली का फेमस टेंपल। हाँ मनु टेंपल से मनाली पड़ा है, हरिमा टेंपल है ना वो है मेरी फेमस पूरा वहाँ जाना चला। आ गया हम झरने के पास में, ओहो नहाते भी हैं क्या लोग? हम लोग भी नहाया जाएगा। आई एम ऑल इंडिया वॉकिंग। वॉकिंग ऑल इंडिया, 2 years कंप्लीट, 24 स्टेट, 17,000 किलोमीटर वॉकिंग, किलोमीटर ओवरऑल 24 स्टेट इंडिया कवर। नेक्स्ट टूर अदर कंट्री, यू आर गोइंग अप टू अदर कंट्री। ओके 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 बाय, सो बाय बाय, कांग्रेचुलेशन। हाँ ये जैसे गर्मी के मौसम में ना, किधर है नहाना? हाँ पानी छू के देखो एक बार, सही है? सही है, ज़्यादा ठंड नहीं है। चलो फिर यहाँ जैसे आ जाओ, चलो फिर बैग रख देते हैं। इतना बॉडी फिल्टर वाला हूँ यही। अरे मेरा
बनियान डाले तो मैं ऐसे ही रखूंगा, मैं बनियान नहीं पहनते। और तमिल वाला है भाई, नहाना है भाई, नहाना है। हाँ चलो उधर भाई, बैग नहीं फील हो रहा है, मैं दो सेकंड में गया हूँ यार। नहीं बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा भी पैर में, बहुत लाना जा रहे हो, तीन सेकंड भी लड़ा जा रहा है। नहीं तो ये भी देख रहा हूँ, ओहो मैं जा रहा हूँ रेलवे। वाटरफॉल और यहाँ पे मैं बाइक है, अर्पण भाई साहब और जा रहे हैं, पूरा मोबाइल भीग गया था हर चीज और मेरा कपड़ा भीग गया था, और कान में ठंड लग रही, इतना ठंडा पानी है वो ऊपर से आ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए कितने लोग आए हैं नहाने के लिए, दूर दूर से आते हैं यहाँ से वाटरफॉल देखने के लिए। और यह नीचे जो देख सकते हैं, यह ब्यास नदी बहती है, इधर मैं जाना है, वशिष्ठ टेम्पल जाना है हम लोग को भाई। मुझे तो कौन बनाया है, ये मेरी माता श्री ने, माता श्री ने बनाया है अर्पण भाई की। और खा के निकलेंगे और जो बचेगा उस ले लेंगे भाई साहब के लिए, जो केरला के हैं उन लोग के लिए। और मैं भी परेशान हूँ कि उन लोगों को कैसे समय कट जाए, उन लोगों को जल्दी से पैसा आ जाए कि चले जाए। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं जो वाटरफॉल है, यहाँ से देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे बैठ के हम लोग मैगी खाए, और मैगी खा के हम लोग निकल रहे हैं वो वशिष्ठ टेम्पल के पास। ओहो रास्ता बहुत खतरनाक, चल रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल के पास। ओहो फाइन, उत्तर प्रदेश यूपी, ओनली वन पर्सन यू कमिंग, यू टेक केयर, गो सुनोपाल, हाँ ब्यूटीफुल प्लेस, ओनली 500 meters, ओके हाफ किलोमीटर, परफेक्ट, ओके थैंक्स यू, सेफ लाइफ, गो।